नियमित साफ सफाई के अभाव में कुछ लोगों की गर्दन काली हो जाती है। काली गर्दन की वजह से चेहरे की सुंदरता फीकी पड़ जाती है और दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। यहाँ जानिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनके नियमित उपयोग से काली गर्दन भी गोरी हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, सुख समृद्धि के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वह घंटी भी बजा लें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। पहला उपाय, 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें 1 चम्मच पानी मिलाएं। इस पेस्ट को काली गर्दन पर लगाएं। जब यह पेस्ट सूख जाए तो साफ पानी से धो लें। ये उपाय सप्ताह में 2 बार करें। दूसरा उपाय, कच्चा आलू लें और उसे घिसकर गर्दन पर लगाएं। कुछ देर बाद इसे धो लें। यदि आप चाहें तो आलू के रस में नींबू का रस मिलाकर भी गर्दन पर लगा सकते हैं। ये उपाय नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तीसरा उपाय, एलोवेरा त्वचा के लिए रामबाण है। एलोवेरा का रस गर्दन पर लगाएं और करीब आधे घंटे बाद इसे धोएं। ये उपाय रोज करेंगे तो गर्दन गोरी हो जाएगी। चौथा उपाय, 1/2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच गुलाब जल लें। रात को सोने से पहले इस मिश्रण को काली गर्दन पर लगाएं। सुबह साफ पानी से धोएं। ये उपाय रोज करें। पांचवा उपाय, 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को गर्दन पर लगाएं। करीब 1/2 घंटे बाद साफ पानी से इसे धो लें। इस प्रकार ये उपाय अपनाने से आपकी काली गर्दन कुछ ही दिनों में गोरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ बताए गए उपाय अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। आपकी त्वचा के हिसाब से कौन सा उपाय सही है वह उपाय आप अपना सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।